तो अमित तुमको इन दोनों के बारे में क्या कहना है? तो गाइस मैं बता दूं, तो गाइस मैं बता दूं, ये दोनों नागिन है। नागिन डांस करते करते अगर तुम्हें काट लिए पानी में तो कहां भागोगे? ओह माय गॉड। नमस्ते और कैसे हैं आप लोग? सो गाइस आज हम लोग एक डैम जाने वाले हैं जो कि बांका में है, बांका बिहार में। मैं बेसिकली भागलपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे एक न्यू डैम ओपन हुआ है, ठीक है। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं। वहाँ ऐसे ही बहुत नाम सुना था वहाँ का, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस थी डैम की। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना चलो एक्सप्लोर किया जाए उसको। तो वहाँ बोटिंग वोटिंग का सीन है और गाइज वो डैम का नाम ओढ़नी डैम है। सो गाइज बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने उस डैम का उद्घाटन किया था। सो गाइज चलते हैं वहाँ पे, वीडियो बनाते हैं और वहाँ पे वोटिंग करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइज वीडियो में बने रहें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ अमरपुर वाले रोड में हैं और कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, उन्हीं का वेट कर रहे हैं। वो लोग आएंगे तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे अभी। और दोस्तों बताना चाहते हैं, अभी बहुत ठंड है भागलपुर में, मतलब बिहार में दो दिन से काफ़ी ठंड पड़ रहा है। और अचानक से ये प्लान था हमारा, हम इसके बारे में जानते भी नहीं थे, हमने सोचा भी नहीं था कुछ ऐसा होने वाला है। पर ये तो एक्साइटमेंट के साथ हम लोग, मतलब बात करते करते हम लोग को ऐसा लगा कि नहीं यार चलते हैं कहीं बाहर चलते हैं। और क्योंकि आप जानते हैं इसको, ये हमेशा जैसे आदत है कुछ भी अचानक से करने का। तो गाइस अभी आगे देखिए हम लोग कहाँ क्या करने वाले हैं। अभी यहाँ भागलपुर में जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे अभी 13 डिग्री ठंड है और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। अभी व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस जो फ्रेंड लोग आने वाले थे वो लोग आ चुके हैं, अब निकलेंगे यहाँ पर से, कहीं रुक के चाय पानी पीते हैं। चाय पानी? सो कैसा ठंड है भाई बताओ? बिहार में बिस्की रम तो मिलेगा नहीं, चाय पानी पीना चाय पानी पीना पड़ेगा भाई। और ये हम लोग फुल व्यवस्था के साथ जा रहे हैं, कैमरा वैमरा लेके फुल फोटो सेशन वगैरह भी करेंगे। फुल व्यवस्था मींस कुछ गलत मत समझिएगा गाइस। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे दोस्त का चेन थोड़ा लूज हो गया है बाइक का, तो ऐसे तो जा सकते थे पर हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं, बाइक को ठीक करवा रहे हैं। और हम भागलपुर से बाहर निकल चुके हैं, हवा भी चेक करवा लो। अनप्लैंड में ज़्यादा मज़ा आता है क्या? ये लोग फोटोग्राफी करते हुए पत्थर उठा के, पत्थर नहीं होता। पत्थर में पत्थर टकरा के देखो आग निकलता है। और ये यहाँ प्रो फोटोग्राफर बैट उठ के फोटो खिंचाते हुए, बैट सूट के सब करके फोटो खिंचाते हुए। और ये रेड हेलमेट वाला राइडर फोटो वो हो जा रहा है, नहीं आया अब क्या। और ये अपनी बाइक गजब का लुक दे रही है। ओए होए 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 होए। और ये यहाँ का व्यू बहुत ही तगड़ा है। और यहाँ ड्रेस चेंज करके फिर से फोटो खिंचाते हुए। वाह गजब भाई, मेरा भी खींच दो फोटो। तो गाइस हम लोग अभी अब पहुंचने वाले हैं ओढ़नी डैम। कौन डैम था रे, डैम का नाम? ओढ़नी डैम। ओढ़नी डैम, ओढ़नी। तो गाइस हम लोग अभी ओढ़नी डैम पहुंचने वाले हैं और लोकेशन इधर का बहुत खतरनाक है, मतलब कि नेक्स्ट लेवल है, बता नहीं सकते हैं। कैमरा में वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं,
बट लोकेशन बहुत जबरदस्त है इधर का, आंखों को सुकून मिल रहा है। और मैं ये आसमान की ऊंचाइयों पे स्लाइट लेफ्ट अरे यार खतरनाक उधर से आगे लेते लोकेशन है भाई, चला लोकेशन है। तो गाइस मैं बता दूं ये दोनों नागिन है, ये दोनों नागिन किधर से पूछो ना। तो ये क्या है अभी बंद है क्या? ढलाई हो रहा है। तो कैसे जाएगी इधर? चल देखे पीछे चलो 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 बुरा इसको घुसा घुसाओ ना घुसाओ ना, इधर से ही जाएंगे। अभी ढलाई हो रहा है वहाँ डैम का रोड, लेकिन फिर भी देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। रास्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए गाइस वीडियो में बने रहे, कंटिन्यू फॉर 1 किलोमीटर। लोकेशन है भाई, तगड़ा लोकेशन है। अब पता नहीं गाइस कैमरा में कितना आ पा रहा है, बट लोकेशन बहुत तगड़ा है। दिखाता हूँ एक बार मैं लोकेशन। ओ भाई ओ भाई, और वहाँ पे कुछ ढाबा वाबा टाइप है, वहाँ भी चलेंगे और बोटिंग वगैरह वहीं से होगा नीचे से ही। भाई बहुत तगड़ा व्यू है यार, बोलो 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 कुछ। नाउ वी आर इन ओर्नी डैम, भूल जाते हैं ना। भाई बोटिंग करेंगे, बोटिंग बोट है वहाँ पे, बोटिंग करना है अभी। उधर भाई पानी डुबा नहीं हुआ यार, इतना बड़ा जगह देखो बोटिंग वो लोग कर रहे हैं। अरे यार जानते हो टॉवल वगैरह लेके आना था, नहाना था भाई इसमें। नहीं नहीं बोट चल रहा है वहाँ, देखो जल्दी करते हैं। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I... कभी भी भागलपुर बिहार आए आप तो यहाँ बांका जरूर आए, ओढ़नी डैम में बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा व्यू है। चारों साइड पहाड़ और फिर बीच में एक नदी टाइप है, वही डैम है। नदी में ही डैम होता है। सो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ ओढ़नी डैम, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये पीछे देखिए, ये मेरे पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये बहुत ही खतरनाक लोकेशन है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को, और यहाँ पे चल रहा है इन लोगों का फोटोशूट। रैंडम ही अच्छा फोटो था, सब फोटोग्राफी में व्यस्त हैं बहुत ज़्यादा। गजब। और ये देखिए वहाँ फोटो खिंचाने के लिए ऊपर चढ़ चुका है। ओ बोस देखना देखना, गिरना मत समझा। इतना ज्यादा एक्साइटमेंट भी ठीक नहीं है, और वो वहाँ अकेले में लुक दे रहा है कैमरा मैन। भाई मेरा भी फोटो, अरे भाई मेरा भी फोटो खींच लो, सब अपना ही फोटो सेशन करोगे। और ये एक लड़का यहाँ पोज देते हुए, कैसा लगा भाई डैम बताओ? एक नंबर डैम, कैसा लगा डैम? डैम बताओ, डैम घूमने आए हम लोग। बताओ बताओ बताओ, यहाँ कैमरा ऑन है, वीडियो बन रहा है।
बताओ ना रे, पीछे वाला लड़का तुम ही को बोल रहा है यार। ऑसम यार ऑसम, मजा आ गया। इस पे तो मीम बनाएंगे। और ये कुछ ज्यादा एक्साइटेड, हेलमेट वेलमेट गिरा के, बैग वैग गिरा के, सब कोई वैल्यू ही नहीं है यार, ये तो गजब। एक लड़का वहाँ सीन का फोटो खींच रहा है, अमित कुमार किर्लोस्कर। भाई मजा आ गया, इधर भाई मजा आ गया, मजा। इस पे एक मीम बना देंगे, व्हेन बिहारी बॉयज गोज टू डैम। ओ, फोटोग्राफर का डेडिकेशन लेवल देखिए, देखिए इसका डेडिकेशन लेवल। स्क्रीन रहते हुए ये विदाउट स्क्रीन फोटो खींच रहा है। सो गाइज, हम लोग अभी अब बोट का वेट कर रहे हैं, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। और बैग हम लोगों का रखा हुआ है उधर ही, बैग हम लोगों का उधर ही रखा हुआ है। हम लोग फोटो फोटो खिंचाने में मशहूर हैं पूरा। सो गाइस, हम लोग का बोट आ चुका है, और यही बोट यही बोट है हम लोगों का अभी, और यहाँ से हम बोटिंग करेंगे। तो गाइज, बोट हम लोगों का यही है, और अब बोटिंग करेंगे हम लोग। तो गाइज, वीडियो में बने रहे हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बोट पे आ चुके हैं, तो गाइज हम लोग बोट पे आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। उधर कहाँ जा रहा है भाई? अरे स्टीयरिंग घुमाना है, स्टीयरिंग घुमाओ आराम से। फिर अमित, कैसा मजा आ रहा है बताओ? ए वाह, देखना भाई बोट में कहीं छेर वेर तो नहीं है। ए पागल भाई, बात मत बोलो भैया, बात मत बोलो, नहीं तो मेरा बहुत। अरे अरे यार, अच्छा उसके पास स्टीयरिंग है भाई। अरे हम लोग के पास स्टीयरिंग नहीं है भैया। हम लोग अभी बोटिंग कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पैडल मार रहे हैं हम लोग, और देख सकते हैं जैसे हमारे ड्राइवर लोग पैडल मार रहे हैं, और हम लोग को देख सकते हैं एकदम फ्रीली बैठे हुए हैं, क्योंकि आगे हम लोग तैरना किसी को नहीं आता। और गाइस, आप देख सकते हैं हम लोग कैसे बेकूफ बनाए अपने दोस्तों को, पीछे में पैडल था, आगे में पैडल ही नहीं था, इसलिए हम लोग जान के आगे बैठ गए थे, क्योंकि हमें पता है क्योंकि ब्रो हमको पता था कि आधा घंटे में थोड़ी देर में पैर दर्द करेगा, वो थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन भाई गाइस बहुत ज्यादा फटी हुई हम लोगों की, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्वैग है ब्रो, स्वैग, ओह माय गॉड, फुल ऑन मस्ती भाई। यार ये कब दोबारा मौका मिलेगा हमारे बिहार में? ऐसा ऐसा और भी चीज है पर हमें पता नहीं होता है यार, इसके बारे में भी हम लोगों को पता नहीं था गाइस, तो जैसे ही पता चला हम लोग आ गए। और देखिए वर्कर अपने कामों में लगे हुए हैं, देख सकते हैं बहुत ही मस्त लोकेशन है गाइस यहाँ का, यहाँ अगर और हमारा तो जरूर यहाँ विजिट करें। और ये देखिए हमारा ड्रैगन, और ये देखिए पानी के ऊपर है, पानी दिखाओ, पानी पानी कितना ऊपर है। अरे आपको बताना चाहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने मछली पकड़ा था। सो गाइज, बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को, और अभी हम लोग बिल्कुल मिडिल में आ चुके हैं, और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हम लोग आते हैं तो वहीं से बात करें, विजिट करें न्यू प्लेस और वहां पे वीडियो बनाए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में, अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं।
तो अमित तुमको इन दोनों के बारे में क्या कहना है? तो गाइस मैं बता दूं, तो गाइस मैं बता दूं, ये दोनों नागिन है। नागिन डांस करते करते अगर तुम्हें काट लिए पानी में तो कहां भागोगे? ओह माय गॉड, दिस गाय, सी दिस गाय, नंबर वन बुलशिट गाय। अरे तुम पहले ये बता, हम लोग गाय बोलते हैं फिर बुलशिट गाय बोलते हो ज्यादा? हम बुलशिट तो नहीं बोलने वाले थे, पहले ये बता। बुलशिट के अलावा कुछ और बोलने वाले थे लेकिन वीडियो के चक्कर में रुक गए। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये था ओटी डैम और यहाँ आके बहुत मजा आया हम लोगों को। यहाँ पे बोटिंग का हम लोगों ने बहुत तगड़ा वाला फील लिया है और यहाँ मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है पानी, एंड ही नहीं हो रहा है। बहुत बहुत बड़े एरिया में यहाँ पे पानी है और उसमें बोटिंग कराया जा रहा है और हम लोगों ने कुल 2 बार बोटिंग किया और फिर उसके बाद कुछ फाइन भी दिया हम लोगों ने क्योंकि हम लोगों ने टाइम से ओवर बोटिंग कर लिया था। तो मजा आया बहुत, घूमने में बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आप बांका कभी भी आए तो यहाँ बांका में आके ओढ़नी डैम जरूर विजिट करें, बहुत मजा आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। व्यू बहुत अच्छा है, बगल में पहाड़ है और फिर उसके बाद लेक है जहाँ पे बोटिंग वगैरह होता है और वेदर भी बहुत अच्छा है। अभी सन सेट हो रहा है और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बगल में पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर भी व्यू पॉइंट है, वहाँ भी मंदिर वगैरह है घूमने का। कोशिश करते हैं हम लोग कि वहाँ जा पाएँ क्योंकि लेट हो रहा है, अब सुबह ही हम लोग मॉर्निंग में ही निकले हैं और अभी मेरे ख्याल से हो गया अच्छा खासा टाइम हो चुका है अभी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही दूसरे जगह पर विजिट करूँ और कोई वीडियो बनाऊँ तो कमेंट्स करें। तो अभी तक के लिए इतना ही वाला है गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत सारे फोटो क्लिक हुए हैं, वीडियोस बने और यहाँ अभी सब ये लोग अभी भी फोटो के लिए अभी इन लोगों का फोटो सेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी फुल मस्ती कर रहे हैं ये लोग। और ये देखिए, सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ही ज्यादा मजा आया हम लोगों को, हम लोगों ने बहुत इंजॉयमेंट किया यहाँ पे और बहुत सारे खतरों का भी एहसास किया पानी में क्योंकि तैरना किसी को नहीं आता था, स्विमिंग किसी को नहीं आता था, फिर भी हम लोग बोट लेके सिर्फ बिना किसी मतलब तैरा के जो होता है और हम लोग बोट लेके गए और फुलटू मस्ती किया हम लोगों ने। और यही तो मजा आता है, इसी सब चीज में मजा आता है कुछ अगर नया करो तो। और ये बिहार में आई थिंक सबसे बड़ा लेक होगा यहाँ पे, ये जो डैम है ओढ़नी डैम, बिहार में इससे बड़ा कोई लेक मुझे नहीं लगता है पर्सनली, क्योंकि मैंने नहीं देखा है, मे बी हो बट मुझे नहीं लगता है पर्सनली। और पानी का तो यहाँ कोई एंड ही नहीं दिख रहा है यार, देख लो गाइस पानी का तो कोई एंड ही नहीं दिख रहा है। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।